गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को भूगोल अध्याय एक का संसाधन एवं विकास पढ़ाऊंगी। ठीक है, संसाधन एवं विकास। संसाधन मीन्स क्या होता है? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक चीज है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वही उपयोग करने की चीजें हमारे लिए क्या बन जाती है, संसाधन बन जाती है। संसाधन किसे कहते हैं? जैसे वन हो गया, भूमि हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या हमारे लिए संसाधन है। और हम इसको उपयोग करने के लिए क्या बनाएंगे, आवश्यक सामग्री बनाएंगे। यही आवश्यक सामग्री हमारे लिए क्या होगी, हमारी आवश्यकताओं की क्या करेगी, पूर्ति करेगी। और जो पूर्ति होगी वही हमारे लिए संसाधन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसका विकास, विकास मीन्स होगा उसका क्या करना है, उसमें क्रांति लाना है, नवीनता लाना है, उसको आगे बढ़ाना है। क्या करना है? उसका विकास करना है, ना कि उसका दोहन करना है। हमें उसका संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है ताकि भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बनी रहे। ठीक है, संसाधन का विकास हमें कैसे करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बाद जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधन, न भूमि की कमी हो, न लकड़ी की कमी हो, न जल की कमी हो, ये संसाधन हमारे लिए आसानी से उपलब्ध हो। क्योंकि संसाधन बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और संसाधन हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति द्वारा। प्रकृति क्या होती है? नेचुरल होती है। उसको बनाने में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं होता। क्या आप ही बताइए, भूमि को बनाने में मनुष्य का कोई योगदान है? जल को बनाने में मनुष्य का कोई योगदान है? नहीं, ये तो क्या है, नेचर है। पर इसको बचाने में मनुष्य का योगदान हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, आप ही बताइए। आप तो प्रकृति में रहते हैं ना, प्रकृति के बिना हम अपने जीवन की क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। हम मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, बड़ा होता है, इस प्रकार उसका पूरा जीवन किस में रहता है, प्रकृति में रहता है। ठीक है, तो प्रकृति के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक संसाधन, अब आप बताइए प्राकृतिक संसाधन होती क्या है? जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ऐसी संसाधन होती है जिसके बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती। जैसे वन हो गया, भूमि हो गई, जमीन हो गया, लकड़ी हो गया, वन जीव हो गए, इसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं। पर इसको बचाए रखने के लिए मनुष्य का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होती है जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के जैसे नाम हो गया, वन हो गए, भूमि हो गए, जल हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और संसाधनों का प्रबंध एवं विकास हमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या हो, वह आवश्यक वस्तुएं जिसका उपयोग कर हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, लोगों को रोजगार दिलाते हैं, वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च करते हैं। ये संसाधन हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए साधन मिलते हैं। ठीक है, और अब है प्राकृतिक संसाधन किसका है, तो प्राकृतिक संसाधन किसका है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। तो प्राकृतिक संसाधन केवल एक व्यक्ति का नहीं है, सभी व्यक्तियों का है, पूरे समाज के लिए। जल केवल एक व्यक्तियों का नहीं है, भूमि केवल एक व्यक्तियों का नहीं है, सभी के लिए, पूरे समाज के लिए है। तो क्या करना है, प्राकृतिक संसाधनों का हमें उपयोग कैसे उपयोग करना है, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे उपयोग करना है ताकि भविष्य में वे समाप्त न हो। जल का जब हमें आवश्यकता, अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करना है, ना कि उसका दोहन नहीं करना है। जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, भूमि भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि ये संसाधन हमारे लिए क्या होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं। अतः इन संसाधनों को हमें
बचा कर रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कर सके, इसका इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। थैंक यू। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा, संसाधन एवं विकास। आप लोग संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन किसका है, संसाधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए, आप लोग प्रकृति के बारे में जानते हैं, संसाधन क्या है, इन सब चीजों को जानते हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।